I'm going under, and this time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. Friends, आज हम बात करने वाले हैं अल्कोहल की दुनिया की मास्टरपीस बिटर्स के बारे में। बिटर्स का उपयोग पहली बार इजिप्ट में देखा गया जब वहाँ बॉटनिकल हर्ब्स को इन्फ्यूज करके वाइन जार में कंटेन किया जाता था और इसे मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। अगर मॉडर्न टाइम की बात करें तो सबसे पहले ईयर 1803 में एक फिलाडेल्फियन अखबार में बिटर्स के बारे में आर्टिकल लिखा गया जिसमें पहली बार कॉकटेल वर्ड का यूज़ किया गया जो बेसिकली स्टिमुलेटिंग लिक्योर था जो कई प्रकार की स्पिरिट्स वाटर बिटर्स से बनाया जाता है। 1824 में डॉक्टर जोहान सीजर्ट ने पहली बार एंगिस्टूरा बिटर का क्रिएशन किया जो मूल रूप से साउथ अमेरिका में पाया जाता है। एंगिस्टूरा बार का उपयोग प्रायः बुखार के उपचार में किया जाता था। इंग्लैंड में ईयर 1830 में पहली बार बिटर्स एक्सपोर्ट किए गए जो शुरुआत में मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया गया तथा बाद में इसे इंग्लैंड की लोकल ड्रिंक जिन में मिक्स करके पिंक जिन का निर्माण किया गया। 19th सेंचुरी में भी बिटर्स फॉर्मर अमेरिकन कॉलोनीज में कैनरी वाइन के साथ काफ़ी पसंद किया जाता था। कैनरी बेसिकली एलिजाबेथियन इंग्लैंड की एक स्वीट फोर्टिफाइड वाइन थी। कॉकटेल बिटर कुकिंग में भी यूज़ किए जा सकते हैं जैसे स्क्वैश सूप, हैम ग्लेज ईटीसी। बिटर्स सामान्य रूप से फ्लावर्स, बार्क, रूट और फ्रूट पील को इन्फ्यूज़ करके बनाया जाता है तथा इसमें अदर बॉटनिकल कॉम्बिनेशन का भी यूज़ किया जा सकता है। वर्ल्ड वाइड फेमस बिटर्स में पीच, ऑरेंज, ग्रेपफ्रूट, ब्लैक वॉलनट आदि आते हैं जो 35% से 45% तक अल्कोहल कंटेन करते हैं। जेंशन रूट, कैशिया बार्क और वाइल्ड चेरी बार्क का उपयोग सबसे बेस्ट बिटर्स को बनाने में किया जाता है। मैनहट्टन, डाइक्यूरी, मार्गरीटा ऐसे कॉकटेल हैं जिनमें ऑरेंज बिटर का यूज़ किया जा सकता है। 2020 का बेस्ट लिक्योर अवार्ड इटली के बिटर इबो लिबो को मिला जो अपने सिट्रस और हर्बल नोट्स के बैलेंस के लिए जानी जाती है। बिटर्स नेचर में एरोमेटिक होते हैं इसलिए वो किसी भी ड्रिंक में एक अरोमा क्रिएट करते हैं।